हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एके ऑटो टेक पे। गाइस स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की ये वीडियो है वो मैं आपको रिडक्शन गियर के बारे में कुछ डिटेल से बताऊंगा। रिडक्शन गियर शायद ही कुछ लोगों ने इसके बारे में सुना हो या कुछ लोग ही इसके बारे में जानते हो। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें और कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो गाइज, हम बात करने वाले हैं आज की रिडक्शन गियर के बारे में कि रिडक्शन गियर कैसा होता है देखने में, और रिडक्शन गियर क्यों ख़राब होता है, और रिडक्शन गियर कहाँ माउंटेड होता है। गाइज, इस वीडियो में आपको रिडक्शन गियर की लोकेशन तो नहीं दिखा सकता, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी लोकेशन ज़रूर दिखाऊंगा कि ये कहाँ माउंटेड होता है। सो गाइस, देखने में आपको कुछ रिडक्शन गियर ऐसा दिखता है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये रिडक्शन गियर है। इसका काम होता है कि जो हम स्टीयरिंग से पावर ट्रांसमिट करते हैं, ईपीएस मोटर होती है इसके ऊपर एक लगी हुई, जो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग के नाम से कहलाती है। पहले हमारे स्टीयरिंग मैनुअल आते थे, फिर उसके बाद हाइड्रोलिक आते हैं, आजकल जो हमारे स्टीयरिंग है वो ईपीएस स्टीयरिंग यानी कि इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग आते हैं। इसमें रिडक्शन का काम होता है, ये हमारी पावर को रिडक्ट करता है, मतलब हमारी पावर को ये ट्रांसमिट करता है, और ये जो है ज़्यादातर हिल एरिए पे ख़राब हो जाते हैं। और इसके ख़राब होने की एक ही कंडीशन है कि आपको जब आप गाड़ी चला रहे हो तो जैसे आप मान लो कि थोड़े रफ़ एंड टफ रोड पे जा रहे हैं तो आपको स्टेयरिंग के नीचे से कुछ टक 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 की नॉइस आएगी, ऐसे लगेगा कि कुछ आपको नीचे लग रहा है, कोई पत्थर पुत्थर तो नहीं लग रहा, कुछ आपको ऐसे देखने में लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा। सो गाइज, आप देख रहे होंगे यहाँ जो ये आपको मैं छोटा सा दिखा रहा हूँ शेड, यहाँ पर ये एक 17 नंबर का बोल्ट होता है जो ये स्टीयरिंग के नीचे माउंटेड होता है। ये है हमारा पूरा रिडक्शन गियर मोटर, रिडक्शन गियर। ठीक है दोस्तों, ये 17 नंबर का नट जो है ये हमारा यहाँ पर माउंटेड होता है, और ये हमारा जो है स्टीयरिंग के नीचे लगता है, स्टीयरिंग असेंबली के नीचे लगता है। ठीक है गाइस, ये आ गया हमारा, ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अब, ये है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, ये आप देख रहे होंगे अंदर से कुछ थोड़ा सा ये घूम रहा है, ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ साइड से, ये अंदर घूमने की ये कोशिश कर रहा है। ये काम करता है गाइस ईपीएस मोटर, इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग मोटर। ईपीएस मोटर कब काम करती है, जब हमारी गाड़ी खड़ी हो या जब हमारी गाड़ी को ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत हो। ईपीएस का काम होता है कि हमारा कम से कम एफर्ट लगा के, हम कम से कम एफर्ट लगाएं और गाड़ी हमारी इजीली से मुड़ सके, ये होती है गाइस हमारी ईपीएस मोटर। और जो ये जो आप पुली देख रहे होंगे ये लगती है रिडक्शन गियर के ऊपर, ये रिडक्शन गियर के ऊपर माउंटेड होती है। और गाइस, मैंने आपको बता दिया कि रिडक्शन गियर ज़्यादा हिल एरिए पे ख़राब होते हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रफ़ एंड टफ रोड होता है, ये इसके ऊपर ऐसे माउंटेड होती है। और ये जो कपलर है, ये स्टीयरिंग नीचे होता है वहाँ पर ये कपलर अटैच होता है। सो गाइस, ये देख रहे होंगे आप, ये मैंने ईपीएस मोटर को इसके साथ थोड़ा सा अटैच कर दिया है और ये रिडक्शन गियर हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, ये देख रहे होंगे आप। जब मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब हमारा रिडक्शन गियर ख़राब होता है तो ड्राइवर को कुछ स्टीयरिंग के नीचे से नॉइस आती है, वो ऐसे टर 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 की नॉइस आती है, ऐसे लग रहा हो कि जैसे आप सोचेंगे कि कहीं गाड़ी नीचे लग रही है या फिर कहीं पत्थर पुत्थर तो नहीं लग रहा है हमारी गाड़ी के साथ। ठीक है गाइज, ये मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बता दिया। और गाइज, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर इसकी लोकेशन ज़रूर बताऊँगा कि रिडक्शन गियर हमारा कहाँ माउंटेड होता है। ठीक है गाइज, और अगर आपको ईपीएस मोटर के ऊपर भी डिटेल से वीडियो चाहिए, अगर गाइज ये तो मैंने बता दिया कि आपको कि रिडक्शन गियर जब ख़राब होता है हमारा तो हमारी साउंड आती है, नॉइस आती है हमारी, जब हमारा ईपीएस मोटर ही ख़राब हो जाए तब क्या होगा, तब गाइज हमारा क्या होगा कि हमारा स्टीयरिंग जो है वो कुछ आपको भारी सा महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि हम मैनुअल स्टीयरिंग चला रहे हैं, मैनुअल से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो गियर है, अगर इसके अंदर गाइज जो ये ईपीएस मोटर है इसके अंदर कार्बन बुर्श होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारी जो है ये ईपीएस मोटर घूमती है और हम कम एफर्ट लगाते हैं और ये बाकी ये मोटर काम करती है जो हमारे स्टीयरिंग को घुमाने में हमारी मदद करती है। सो गाइज, मैंने बता दिया आपको कि रिडक्शन गियर के बारे में
ये क्यों ख़राब होता है और कब ख़राब होता है, और EPS के बारे में ये क्यों ख़राब होती है और कब ख़राब होती है। EPS मोटर के ज़्यादातर गाइस जो कार्बन बुर्श होते हैं वो ही ख़राब होते हैं। अगर हम कार्बन बुर्श को रिप्लेस कर दें तो एक दो बार हमारी EPS मोटर भी चल सकती है। सो गाइस, EPS के बारे में मैंने बता दिया कि जब ये ख़राब होती है तो हमारा स्टेयरिंग भारी सा हो जाता है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको रिडक्शन गियर की लोकेशन भी ज़रूर बताऊँगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।